मैं तो जितने सारे लोगों ने कलह की शुरुआत हुई है, आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया, यहाँ तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो, सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की, मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूँ जी वगैरह, कुछ कहा नहीं, ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, मैं तो हूँ कॉमन मैन हूँ, माना सब का और माँ का बेटा हूँ, और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे, उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है, और इस शक्ति को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। देखो मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है, और 19 में जितनी सीटें अब तो महायुति होगी, लेकिन उस वक्त जो युति थी जितनी सीटें थी 41-42, अब कितनी चलेगा उद्धव जी? और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार थी, अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है, मतलब नकली संतान है कौन? पूरा बोलनी कैसे सटी करता है, पूरा छड़ाला आम्ही सुद्धा त्यांच्या सोबत होतो, तरी सुद्धा त्यांनी आमच्या लोकांच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आमच्याकडनं गद्दार फोडून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांच्या प्रचारासाठी मोदी स्वतः आले। सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। एमवी महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी, दो चार सीट वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48 हमें जितना चाहिए था, उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, इससे आशंका आ सकती है। सुडाच्या राजकारणाने सगळे देशभक्त इंडिया अलर्ट, मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बता रही, जबरदस्ती लगा इडलेले आणि कंटाळलेले लोक आहेत ते इंडिया कडे देतात दाखवलं जात आहे। परंतु अजूनही काही ठिकाणी जसं बिहार आहे, बिहार मध्ये मतमोजणी उशिरा सुरू झाली, तिचे निकाल अजून पूर्ण बाहेर यायचे आहे, आणखी काही ठिकाणी छोटे जे घटक पक्ष आहेत त्यांना संपर्क सुरू आहे। एकूणच काय की या जुलूम जबरदस्तीला सगळे जे कंटाळलेले आणि जबरदस्तीचं सरकार येऊ देणार नाही याची खात्री आहे। नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू हे तुझ्याबरोबर येऊ शकतात का, काही बोलणी सुरू आहेत का त्यांच्याबद्दल? त्यांच्याशी काँग्रेसकडनं म्हणा, इतरांकडनं म्हणा बोलणी सुरू आहेत। परत एकदा सांगतो की चंद्रबाबू नायडू कडे या मागची भावना होती, तीच भावना आजही कायम आहे। उद्या सर्वांच्या मताने इंडिया देशाची लोकशाही वाचवली पाहिजे, देशाचं संविधान वाचवलं पाहिजे, आणि हुकुमशाही पासून देशाला वाचवलं पाहिजे,